अद्वियात की कीमतों में कमी का हुकूमती दावा गुमराह कौन निकला। बहावलपुर में अद्वियात की कीमतों में होश रुबा इजाफा। शुगर के मरीजों के लिए इंजेक्शन ट्रॉलीसिटी 14,000 से 17,000 रुपए कर दिया। मिलाइन के डिब्बे 320 रुपए से 707 रुपए में फरोख्त होने लगी। सर्दी बढ़ते ही गैस और बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। बिजली का शॉर्टफॉल 3,000 मेगावाट। तरबेला में बिजली पैदा करने वाले 14 यूनिट बंद। गैस की मजमूई तलब 6 अरब 50 करोड़ क्यूबिक फीट तक। सिस्टम को 2 अरब 48 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की कमी का सामना। पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी 2/3 कम कर दी गई। जुनूबी पंजाब में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान में 33 सीएनजी स्टेशन बंद। वैगन एसोसिएशन की सीएनजी स्टेशन की बंदिश पर किराया बढ़ाने की धमकी। सदर वैगन एसोसिएशन राणा अख्तर का कहना है कि सीएनजी कल तक बहाल ना की गई तो किरायों में 20 से 40% तक इजाफा कर दिया जाएगा। मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर में गैस लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुख्तलिफ शहरों में 17 घंटे तक की लोड शेडिंग। चूल्हे ठंडे पड़ गए। अंजुमन ताजरान और घरेलू खातीन परेशान। खाना बनाना मुश्किल हो गया। शहरियों का महकमा सुई गैस से गैस बहाल करने का मुतालिबा। गैस बहरान शहरी परेशान। जाएं तो जाएं कहां। मियांवाली दाऊद खेल में खवातीन का अनोखा एहतजाज। सिरों पर हांडी तवा और गूंदा हुआ आटा उठाकर सुई गैस दफ्तर पहुंच गईं। शदीद नारेबाजी। एमपी अमीरुल्लाह की मसला हल कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौकर। गैस के ऑफिस में आया हूँ दाऊद खेल में और यहाँ पे मैंने मुतल्लिका काम से बात की है और उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आज ही आज जो है ना ये प्रेशर इनका हम बढ़ा भी देंगे और जहाँ पे मसला आ रहा है उस मसले को हल भी करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की मियाँ चन्नू में सूबाई वजरा सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी मलक नुमान लंगड़ियाल की मुलाकात। पीटीआई कारकुन बुकला और मौजिजीन भी मुलाकात में शामिल। वजीर आला पंजाब ने कहा खानेवाल मेरा अपना जिला है, लोगों के मसाइल हल करना चाहता हूँ। खतरनाक मरज एचआईवी एड्स का सिंध के बाद जनूबी पंजाब का रुख। मुल्तान में साल 2019 में 796 केसेस सामने आए। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान। रेलवे की तारीख की सबसे बड़ी मंशात स्मगलिंग का ड्रॉप सीन। रेलवे हुकाम मुल्तान से कराची भेजे जाने वाली 25 किलो आइस पकड़ने का दावा झूठा निकला। सैंपल्स में आइस की बजाय जानवरों की दवाई निकली। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट जारी। टैक्स वसूली का इख्तियार वफाकी नहीं सूबाई है। बहावलपुर समेत मुल्क भर में एफडीआर को लग्जरी गाड़ियों और घरों पर टैक्स वसूली से रोक दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रीजनल टैक्स ऑफिसर्स को हुक्म सादर कर दिया। एफडीआर को सिर्फ असाजात की तफसीलात तलब करने का इख्तियार होगा। नोटिफिकेशन जारी। अवामुन्नास होशियार, खबरदार, प्रोफेशनल टैक्स अदा करें वरना जेल जाना पड़ेगा। एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट प्रोफेशनल टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। डायरेक्टर एक्साइज डीजी खान इमरान असलम ने प्रोफेशनल टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब का समाजी तंजीमों के गेट घेरा तंग करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन मंसूख की गई समाजी तंजीमों के असासाजात जब्त करने के अहकाम जारी। मंसूख की गई एनजीओ की बिल्डिंग सामान और फर्नीचर जब्त किया जाएगा। सोशल वेलफेयर ऑफिसर को असासाजात कब्जे में लेने के अख्तियार दे दिए गए। सनावा में महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की कीमतें ओपन मार्केट से भी ज्यादा। शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स रौनकें खत्म। चावल की कीमत 125 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई। चीनी 75 और दाल चना 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। कैबिनेट मेंबर्स एफबीआर मुल्तान के ऑफिशियल्स का गैर मुल्की नुमाइंदों से मेल जोल खत्म। नई पॉलिसी के मुताबिक किसी भी मीटिंग के लिए वजारत खारजा को आगाह किया जाएगा। कैबिनेट मेंबर्स बगैर वजारत खारजा की इजाजत के किसी सिफारती मिशन के हिस्सा नहीं होंगे। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अहम ओहदों पर अफसरान की कमी का सामना। बिल्डिंग डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर और इंसदाद तजावीजात इंस्पेक्टर की आसामियां कई माह से खाली। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन तातुल का शिकार। सीईओ कॉरपोरेशन के बारहा लिखने के बावजूद अहम शोबे में तैनातियां ना हो सकी।
सीएचयू अस्पताल कोट अड्डू की दो एम्बुलेंसेज दोनों ही नाकारा हो गयी। 7 रोज गुजरने के बावजूद एम्बुलेंस को मरम्मत ना कराया गया। उधर सखी सर्वर में कुत्ते काटे और छत गिरने के दो वाकया, 2 घंटे गुजरने के बाद भी रेस्क्यू अमला ना आ सका। जख्मियों को प्राइवेट गाड़ी पर डेरा गाजी खान ले जाया गया। मुल्तान में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला मॉडल मदरसे का मंसूबा ठप हो गया। तालीमी दर्जगाह टूट फूट का शिकार, 13 साल बाद भी मदरसे में तालीमी सरगर्मियां गैर फाल, 3-3 सामान चोर ले उड़े। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। मौसम बेहतर होने के बावजूद जुनूबी पंजाब में दाखिल होने वाली दर्जनों ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर, अप एंड डाउन ट्रैक की तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। उधर मुल्तान बैनुल अक्वामी एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार, मुसाफिर सख्त सर्दी में इंतजार की अजियत से दोचार। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी तौंसा का मुलाजमीन से नारवां सलूक, मुलाजमीन का चीफ ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज, मुलाजमीन का चीफ ऑफिसर के तबादले तक कलमा चौक में धरना देने का ऐलान। रहीम यार खान में तालीमी मैदान से बड़ी खबर, जिला भर में 51 मस्जिद मकसद स्कूलों को प्राइमरी स्कूलों में अपग्रेड करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने अहकाम जारी कर दिए। प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में कमरे, 4 दीवारी, वॉशरूम सब मुकम्मल किए जाएंगे। रेस्क्यू का इमरजेंसी नंबर गैर संजीदा लोगों ने तफरीह का जरिया बना लिया। रहीम यार खान में रवा साल 2019 में रेस्क्यू अहलकारों को 5,48,533 कॉल्स मौसूल हुई। कंट्रोल रूम इंचार्ज शहबाज नादिर के मुताबिक 5,18,601 कॉल्स जाली निकले। शहर औलिया में तिब्बी सहूलियात की मजीद होगी फरावानी। साल 2019 सेहत के मंसूबों बारे मुल्तान की कारकर्दगी बेहतर करार। आइंदा साल निश्तर 2 और विलायतबाद में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की मंजूरी। निश्तर 2 के लिए 2 अरब से जायद और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए 500 मिलियन से जायद फंड्स मुख्तस। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वसीम के मुताबिक खानेवाल, लोधरा, बिहाड़ी में भी सेहत के मंसूबे जारी हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ट्रैक रिहैबिलिटेशन मंसूबा शुरू, तमाम लाइनों का मुआयने के बाद मरम्मत का काम जारी। मरम्मत के दौरान रेलवे स्टेशन पर लाइन की सपोर्ट के लिए लगाए गए स्लैब्स भी तब्दील किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान और बहावलपुर के इंतखाबात का बिगुल बज गया। वकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के लिए नए सदर का चुनाव 11 जनवरी को करेंगे। आज से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 2 जनवरी को फाइनल लिस्ट आवेजा होगी, 11 जनवरी को इलेक्शन होंगे। डेरा गाजी खां में महकमा लाइफ स्टॉक इन एक्शन, जानवरों के ब्लड सैंपलिंग का अमल जारी। डॉक्टर जकाउद्दीन का कहना है कि 2 रोज में 25 से ज्यादा जानवरों के सैंपल लिए, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जानवरों की तलफी कर दी जाएगी। डीजी खान में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। उधर लैया में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से तजावुजात खत्म करा दी। डीआईजी रेलवे अजहर रशीद की लियाकत पुर आमद, एसपी अमजद खान के हमराह सानहा तेजगाम के मुतासिर बोगियों का मुआयना किया। बिहाड़ी में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही, 3.5 करोड़ की खतीर रकम से बनने वाला मॉडल बाजार टूट फूट का शिकार। जिला इंतजामिया 2 साल बाद भी मॉडल बाजार फाल ना करा सकी। मैनेजर मॉडल बाजार की 10 जनवरी तक मॉडल बाजार की दोबारा ओपनिंग करने की यकीन दहानी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान में लीगी रहनुमा राना सज्जाद की दायर दरख्वास्त पर समाअत, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने हाजी राना सज्जाद की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का पुलिस थाना मुमताजाबाद को 7 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चिश्तियां के नवाही इलाके लतीफाबाद के करीब मुसाफिर बस उलटने का मामला, जांबहक अपराध की तादाद 6 हो गई। 6 मुसाफिर मकामी अस्पताल मुंतकिल, बकिया मामूली जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। थाना सदर लोधरा पुलिस की कार्रवाई, स्कूलों से बिजली का सामान चुराने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 4 लाख से ज्यादा मालियत का मसरूका सामान बरामद,
बिजली के पंखे, यूपीएस, बैटरियां, वाटर पंप्स बरामद शुदा माल में शामिल, मजीद तफ्तीश जारी। शहरी औलिया में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए, लुटेरे दिन दहाड़े वारदातें करने लगे, शहरी खौफ का शिकार, पुलिस लाचार। पुलिस थाना दौलत गेट और सीतलमाड़ी के इलाके में डिकैती की वारदातें, डाकू शहरियों से 7 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार। डेरा गाजी खां में थाना काला पुलिस की कार्रवाइयां, बच्चों को बदफेली का निशाना बनाकर वीडियो बनाने वाला और नाजायज असलहा रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल और असलहा कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। अलीपुर में घरेलू नाचाकी ने शौहर को जल्लाद बना दिया, एक्सचेंज रोड पर शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर बीवी को आग लगा दी, खातून तश्वीशनाक हालत में बर्न यूनिट नेशनल अस्पताल मुंतकिल। उधर मुल्तान बिहाड़ी रोड पर कमरे में गैस भर जाने से 5 अफराद बेहोश। बहावलपुर में लाइब्रेरी चौक से बरामद होने वाली मशकूका का ड्रॉप सीन, मियां शफाक ने कारोबारी लेन देन के मामले पर खुर्द को लोगों से बचाने के लिए ड्रामा किया, थाना कैंट ने अफसरान को आगाह कर दिया, नामालूम अगवाकारों के खिलाफ दर्ज होने वाला अगवा का मुकदमा भी खारिज, मियां शफाक को वर्सा के हवाले कर दिया गया। मुशीर सेहत हनीफ खान पतापी और कमिश्नर डेरा गाजी खान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मानिका केनाल और दीगर इलाकों की सफाई का दौरा किया। उधर डीसी डीजी खान ताहिर फारूक का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गाजी पार्क की हालत इजाद बेहतर करने के अहकाम जारी किए। DPI सेल की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जेर सदारत इजलास, WHO महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत, DC और DPO मुजफ्फरगढ़ का सब्जी मंडी का दौरा। उधर डिप्टी कमिश्नर और DPO लैया ने भी नीलामी के अमल का जायजा लिया। DPO बहावलपुर सुहेब अशरफ का मुबीन शहीद ड्राइविंग स्कूल का दौरा, ड्राइविंग क्लासेस का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। CEO हेल्थ बिहाड़ी डॉक्टर अरशद मलिक का THQ अस्पताल मेलसी का दौरा, इमरजेंसी वार्ड, CCU वार्ड, डायलिसिस यूनिट समेत दीगर वार्ड का जायजा लिया, मरीजों और इनके लवाहिकीन से अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। बहावलपुर के कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी होगी पूरी, पंजाब हुकूमत का कॉलेज में 10th इंटर्न टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। बहावलपुर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात, फैसला कल होगा, रोही की जानिब से एंकर पर्सन अथर लाशारी, फाइनेंस सेक्रेटरी और महमूद जहीर नायब सदर के उम्मीदवार, पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने घर से भागा बच्चा रेस्क्यू कर लिया, 12 साल उमेर नामी बच्चा कराची से बजरिया ट्रेन मुल्तान पहुंचा, कोई भी बच्चे के बारे में कुछ जानता है तो CPB से राब्ता करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन मुल्तान की हिदायत। मुश्किलात भी कामयाबी के आड़े ना आ सकी, खुला आसमान, बंजर जमीन, सर्दी की शिद्दत, फिर भी जिला भर में पहली पोजीशन, जामपुर के लिटरेसी स्कूल का एजाज, पंजम जमात के तालिबे इल्म अब्दुल शकूर ने सुबह भर में पहली और तलबा हिस्बा ने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल करके असातिज़ा का सर फखर से बुलंद कर दिया। और रहीमयार खान में सर्द मौसम में खिले हुए फूलों के खुशनुमा रंग, इंडियन डालिया, गुलदाउदी, एल्सियम और कैक्टस के खूबसूरत पौधों ने सर्द मौसम को और भी हसीन बना दिया, खिले हुए फूलों के रंग देखने वालों को शहर में डुबोते रहे।